हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 101 का सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता प्रथम के बारे में। इस लेसन को टोटल हमने चार पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट के अंदर में हमने प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ा था, सेकेंड पार्ट हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता के ऊपर में था, और थर्ड पार्ट के अंदर में हमने हड़प्पा सभ्यता को डिटेल में देखा। आज की इस वीडियो के अंदर में हमारा जो फोर्थ पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम चीन की सांग सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में आज का जो हमारा टॉपिक है चीन की सांग सभ्यता, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि जो चीन की सांग सभ्यता थी, जिस प्रकार से कांस्य जो सभ्यता था, कांस्ययुगीन सभ्यता, जैसे जैसे उसका पतन होने लगा तो आखिरी सभ्यता के तौर पर चीन की सांग सभ्यता को जाना जाता है। इस मैप में आप देख सकते हो चीन की सांग सभ्यता उदय कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या थी। अगर आप देखोगे कि कांस्ययुगीन सभ्यता के अंत का अनुभव करने वाला अंतिम क्षेत्र के तौर पर चीन की जो सांग सभ्यता था उसको जाना जाता है। अब कांस्ययुगीन सभ्यता है क्या? तो एक सभ्यता नहीं है, एक तरह से मान के चलो एक टाइम पीरियड है, जैसे हम बोलते हैं पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब क्या था? एक प्रॉपर एक टाइम पीरियड है जिसके दौरान में सिर्फ पाषाण के चीजों का उपयोग किया गया, पाषाण के औजार बनाए गए, पाषाण मतलब पत्थर। उसी तरह से कांस्ययुगीन सभ्यता, पाषाण युग के बाद आने वाला जो टाइम पीरियड था ना, उसको हमने कांस्य युग के तौर पर देखा, जहाँ पे कांस्य का उपयोग करके, धातु का उपयोग करके अलग अलग तरह के औजार बनाए गए। कांस्य युग से पहले जो पाषाण युग का टाइम पीरियड था, जहाँ पे क्या हुआ कि जो औजार बनाए जा रहे थे वो पत्थरों के उपयोग करके बनाए जा रहे थे, पुराने पुराने पत्थरों के उपयोग करके औजार बनाए जा रहे थे। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे औजारों में परिवर्तन हुआ तो मानव के जीवन पर भी इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से मानव के जीवन के अंदर में परिवर्तन आया, रहन सहन में परिवर्तन आया, ठीक है, भोजन के अंदर में परिवर्तन आया, ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाता है। सेम चीज़ जैसे ही पाषाण युग के बाद आपका शुरू हो जाता है, कांस्य युग का स्टार्ट हो जाता है, और कांस्य युग के स्टार्ट के अंदर में ये देखा जाता है कि जैसे कांस्य युग का स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे मानव के द्वारा धातु का उपयोग किया जाने लगा। जब मानव ने धातु का उपयोग किया, धातु का उपयोग करने से औजार बनाने स्टार्ट किया, औजार बनाने लगा तो औजार जो थे ज़्यादा मजबूत थे, ज़्यादा कारगर थे, ज़्यादा धारदार थे, तो उनसे खेती करना या बाकी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका था। और इसी इम्पैक्ट को हम इस पूरी सभ्यता के अंदर में पढ़ते हैं। तो जब आप कांस्ययुगीन सभ्यता की बात करते हो, जो आपके बुक का चैप्टर का नाम भी है इस चैप्टर का, तो इसके अंदर में देखोगे तो चारों सभ्यता के अंदर में हम सेम चीज़ को कवर करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें जो अभी हम बात करें ना, बातचीत अभी जो हमारी वीडियो में चल रही है, ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के अंदर में कहीं नहीं किया, यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको एक बेसिक चीज़ है ना क्लियर होता चला जाए। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट जरूर करूँगा आपसे कि एक बार जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको एमएचआई 101 के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप तीनों पार्ट को देख लें, जिससे आपको बेसिक जो चीज़ें हैं पहले पार्ट्स के पीछे वाले पार्ट्स के वो कवर हो जाएगा। देखो तो कांस्ययुगीन सभ्यता के अंदर में क्या हुआ कि धातु का उपयोग किया गया मनुष्य के द्वारा में। इससे पहले जो मनुष्य था ना पत्थर का उपयोग कर रहा था, पत्थर के औजार बना रहा था, तो पत्थर के औजार उतने ज़्यादा धारदार नहीं होते थे, उतने ज़्यादा कारीगर नहीं होते थे, उसे शिकार कर पाना उतना ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाता था। पर धीरे धीरे समय के साथ में परिवर्तन हुआ, मनुष्य ने धातु का उपयोग करना सीखा, धातु का उपयोग करने से उन्होंने औजार बनाना सीखा, अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाना सीखी, और उसके साथ में क्या हुआ जो शिकार करना उनके जीवन व्यापन में उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यही चीज़ आपने मिस्र के अंदर में भी पढ़ा, मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंदर में पढ़ा, और हड़प्पा सभ्यता के अंदर में हमने देखा कि किस तरह से कांस्य का उपयोग करके मनुष्य ने औजार बनाया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि मनुष्य के सोशल लाइफ के ऊपर में, वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे जैसे कांस्ययुगीन जो सभ्यता था एक टाइम पीरियड, जैसे जैसे अंत हुआ तो आखिरी जो सभ्यता के तौर पे हम देखते हैं वो चीन की सांग सभ्यता को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, के बारे में मैंने आपको बताया। आगे हम चलते हैं और डिटेल में अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है और यहाँ से हम अपना टॉपिक को कवर करते हैं। सांग सभ्यता जो है चीनी इतिहास में लिखित पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए स्थापित होने वाला सबसे पहला राजवंश के तौर पर जाना जाता है। देखो इसको लेकर भी मतभेद है कई सारे इतिहासकारों के बीच। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ क्या, ज़्यादातर इतिहासकार का ये मानना है कि जो सांग वंश है, जो सांग राजवंश है, जो सांग सभ्यता है, वो चीन की प्रथम राजवंश के तौर पे, प्रथम सभ्यता के तौर पे देखा जाता है। पर वहीं पर कई सारे इतिहासकार ऐसे इसका विरोध करते हैं। इसका रीज़न क्या है? उनका ये मानना है कि इससे पहले भी कई सभ्यता रही होंगी पर उसका कोई भी पुरातात्विक लिखित साक्षित कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, ठीक है। लिखित में पुरातात्विक तौर पर, साहित्यिक तौर पर कोई भी प्रमाण हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसके कारण से हम सांग सभ्यता को ही प्रथम राजवंश के तौर पर मानते हैं। पर कई सारे इतिहास इसको लेकर मतभेद पैदा करते हैं। यह राजवंश का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो लगभग 1600 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। सांग राजवंश ने उत्तरी चीन के मैदानों पर शासन किया, जो आधुनिक चीन प्रांतों के अनुहुई, हेबई, हेनान, तेडोंग और सांगसिक से मेल खाते, इन सभी जगहों पर इनके द्वारा शासन किया गया। सांग राजवंश के जो लोग थे वो पीली नदी के अंतर्गत रहा करते,
देखो यहाँ पे एक पीली नदी बहती थी और इसी नदी के इर्द गिर्द ये पूरा जो सांग राजवंश था, सांग समुदाय के अंदर में रहने वाले लोग थे वो रहते थे, और इनकी पूरी जो निर्भरता थी इस नदी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। आपने अगर पीछे के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर को पढ़ा होगा तो मिस्र के अंदर में भी नील नदी थी, ठीक है। और आप अगर देखोगे मेसोपोटामिया के अंदर में भी दजला और फरात नदी थी, ठीक है। हड़प्पा के अंदर में सिंधु नदी थी, तो उसी तरीके से सांग सभ्यता के अंदर में पीली नदी थी जिसके अंतर्गत लोग रहा करते थे, और यही इनका ना जो पानी के साथ साथ में उपजाऊ मिट्टी का भी कार्य करता था। जब यहाँ पे बाढ़ आता था या जलोढ़ मृदा आती थी तो उससे उपजाऊपन मिट्टी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, और यहीं से इनको विकास करने में, उनकी सभ्यता को पनपने में मदद मिली किसके थ्रू, तो ये पीली नदी के थ्रू, ठीक है। सांग राजवंश ने गुईफांग नामक उत्तरी सीमांत जनजातियों के साथ में लंबे समय तक संघर्ष, अब देखो जो सांग राजवंश था ना उसके साथ में गुईफांग करके यहाँ पे नामक उत्तरी सीमांत में जनजातियां रहा करती थी जिनके साथ में आपसी संघर्ष हमें देखने के लिए मिल जाता है। सांग काल को चीनी इतिहास में यिन काल के तौर पर भी जाना जाता है। देखो एक चीज का आपको यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो नाम है ज्यादातर ना वो चीनी नाम है, तो हिंदी में ना कई बार ना मिस ट्रांसलेट हो चुका है क्योंकि इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है, ठीक है। और स्पेशली अगर कोई चाइनीज नाम है ना या फिर दक्षिण साउथ तमिल का नाम है, कन्नड़ का नाम है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हिंदी वाले, नॉर्थ इंडियन वाले तो इजी होता है, उसको समझ में आता है, राम मोहन श्याम, पर ये वाले थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करना अपनी बुक से, ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे सांग काल का जो चीनी इतिहास में इन काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ना सांग काल की बजाय इन काल के तौर पर भी दे दिया जाए ना तो भी आपको याद रखना है कि सांग का जो पूरा सभ्यता, जो पूरा टाइम पीरियड था उसको यहाँ पे इन काल के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हो, डिटेल में समझते। पुरातात्विक शब्दावलियों में इस काल को कांस्य काल का नाम दिया। अब देखो पुरातात्विक जो आपने स्टडी किया, जब देखा गया हो इतिहासकारों के द्वारा में कि जो भी प्रमाण मिले पुरातात्विक, तो खुदाई के अंदर में, ठीक है, जो भी वहां पे साक्ष्य मिले उसके अंदर में ये पता चला कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है ना, जो पूरा ये सभ्यता है वो कांस्य काल के अंतर्गत आता है। कांस्य काल मतलब क्या, जहां पे धातु का उपयोग करके औजार बनाया गया मनुष्य के द्वारा, इसके कारण से इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत स्टडी करें। सांग पैदल सेना, विभिन्न प्रकार के पत्थर और कांस्य हथियारों से लैस थे। जो प्रमाण मिलते हैं तो उससे ये पता चलता है कि सांग सभ्यता के अंदर में जो सैनिक थी, सैनिक व्यवस्था थी, उनके पास पत्थरों के औजार थे, कांस्य के हथियार थे और अलग अलग तरह के हथियारों से वो लैस थी, पूरी तरह से उनके जो सेना थी वो सशक्त थी, चीजों से यहाँ पे हमें इसका पता चलता है। इन हथियारों के अंदर में देखोगे तो भाले, पोलिसिस, पोल आधारित खंजर, कुल्हाड़ियाँ, मिश्रित धनुष, कांस्य के या चमड़े के हेलमेट आदि शामिल, अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पे उपयोग किया जाता था सेना। सांग राजवंश के बारे में थोड़ा सा समझे तो सांग राजवंश चीन की सिया राजवंश के अंतिम शासक चिहेन अत्यंत क्रूर और विलासी था, ठीक है। जैसे आप सांग राजवंश का उदय कैसे हुआ, तो सांग राजवंश से पहले ना सिया राजवंश था जिसका अंतिम शासक जो था चिहेन अत्यंत क्रूर और विलासी था। ये देखो कई सारे इतिहासकारों में मतभेद है, कुछ बोलते हैं कि सांग राजवंश ही पहला शासक था, पर यहाँ पे अलग अलग कहानियां हैं जिसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे माना जाता है कि सांग राजवंश से पहले एक सिया राजवंश था जिसका जो लास्ट शासक था ना, जिसका नाम था चिहा करके से, ठीक है। तो वो क्रूर और विलासी था जिसके कारण से क्या होता है कि लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और टंग नामक एक युवराज के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं और सत्ता पर अधिकार कर लिया। और टंग ने चीन के अंदर में जिस राजवंश की स्थापना करी उस राजवंश को सांग राजवंश के नाम से जाना जाता है, जिसको हम सांग सभ्यता के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो सांग राजवंश की वो जो स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो टंग नामक राजकुमार को जाता है, ठीक है। टंग के नेतृत्व में ही विद्रोह किया जाता है, किसके खिलाफ, तो चीहे के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह किया जाता है, चीहे के खिलाफ। नाम थोड़े अजीब अजीब हैं तो रिक्वेस्ट बार बार यही रहेगा कि नाम को थोड़ा आपको कैरी आउट करना है, अपने बुक से भी एक बार मैच करना, ठीक है। अगर कुछ समझ में आए तो डायरेक्ट गूगल का हेल्प लीजिएगा जिससे आपको समझ में आएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा मैं कि द इनफ के ऊपर में पिछले 2-2.5 महीने से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि हम थोड़ा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इफ़ यू आर एबल टू सपोर्ट अस, नीचे में आपको एक फ़ोन, तो वहाँ पे आप सपोर्ट हमारे साथ जता सकते हैं, और कुछ भी अमाउंट, वट एवर यू कैन हेल्प, कि वो हमें मोटिवेट करेगा, हम अच्छे से और वीडियो बना पाएंगे आपके लिए, टाइम टू टाइम लेकर आ पाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूज, कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और अगर आपको इस वीडियो का जो PDF है वो चाहिए, पूरा मतलब डिटेल चाहिए, पूरा नोट्स चाहिए, तो आप डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पे जाके ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको गूगल ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे मिल जाएंगे। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। सांग राजाओं ने, जो सांग राजा थे वो 1766 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1122 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये पूरा टाइम पीरियड रहता है सांग राजाओं का। सांग काल को चीनी इतिहास में यिन काल के नाम से जाना जाता है। पुरातात्विक शब्दावलियों में इस काल को कांस्य काल का नाम दिया।
इस टाइम पीरियड को कांस्य काल के तौर पे देखा जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया क्यों देखा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर में जो प्रमाण मिले, पुरातात्विक प्रमाण मिले, उसके अंदर में कांस्य का सबसे ज्यादा उपयोग देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण इसको कांस्य युगीन परंपरा के अंतर्गत में अंतिम सभ्यता के तौर पर हम देख के चलते। तांग शासकों की राजधानी उत्तर मध्य घाटी में स्थित यांग नगर थी, अनयांग नगर के तौर पर जानी जाती है, किंतु बाढ़ के प्रकोप के कारण से समय समय पर इसका स्थानांतरित किया जाता था। जो राजधानी थी अलग अलग जगह पर बदलती थी, इसका मेन रीजन क्या था, यहाँ पे बाढ़ का प्रकोप देखने के लिए मिल जाता था, ठीक है, इसके कारण से इसकी राजधानी बार बार परिवर्तित। चीनी सांग सभ्यता को अगर आप देखोगे, सांग संस्कृति को देखोगे, तो चीनी इतिहास के अंदर में नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के पश्चात सांग युगीन संस्कृतियों का काल आता है, ठीक है। जब आप नवपाषाण कालीन संस्कृतियों को देखते हो, तो उसके बाद यहाँ पे सांग युगीन संस्कृतियां देखने के लिए मिलती है, और ये खुदाई के दौरान यहाँ पे कुछ प्रमाण मिले जिसके अंदर में अलग अलग तरह के बर्तन थे जो धातुओं के उपयोग करके बनाए गए, जिसके कारण से चीन के अंदर में ये माना गया कि जो पूरी सभ्यता है पुरातात्विक आधार पर, ये कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत आता है, और नवपाषाण कालीन संस्कृति जो है वो इसके बाद शुरू होती है, जहाँ पे एक नए काल का शुरुआत कांस्य युगीन के बाद नवपाषाण कालीन संस्कृति के तौर पर देखते हैं। इस संस्कृति के जो अवशेष है वो अनयांग नामक स्थान से मिलते हैं, ठीक है, ये अनयांग नामक स्थान से इसके मिले हुए अवशेष देखने के लिए मिल जाते हैं कि किस तरह के अवशेष थे। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1928 से लेकर 1937 ईसा में किया गया था, चीनी एकेडमी जो एकेडमी थे उसके द्वारा किया गया, जिसके निर्देशक थे प्रोफेसर ली ची तुंग और तोयोसो पिन के द्वारा किया गया था। ये प्रोफेसर थे जिनके द्वारा में ये उत्खनन कार्य किया गया था, खुदाई का कार्य किया गया था, जिसके बाद ये प्रमाण यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं जो सांग सभ्यता से रिलेटेड बताया जाता है। इस संस्कृति के जो निर्माता थे मृत भांड और सुंदर कांस्य भांड बनाना जानते थे। अब देखो इस संस्कृति के अंदर में ये देखा गया कि जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हुआ करते थे, मृत भांड मतलब क्या होता है, मृत मतलब होता है मट्टी और भांड मतलब होता है बर्तन, तो मट्टी के बर्तन बनाना, कांस्य मतलब होता है धातु, धातु का उपयोग करके बर्तन बनाना, तो अलग अलग तरह के बर्तन बनाना जानते थे, अलग अलग ये बर्तन जो भी होते हैं हड़िया बर्तन वो बनाना जानते थे, तो इसका यहाँ पे प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो वो सींगों के अस्थियों के कौड़ियों पे नक्काशी करते थे, ठीक है, सींग होते जानवरों के सींग हुआ करती थी, अस्थियां होती थी जो हड्डियां होती थी, कौड़ियां होती थी शंख जैसे छोटी छोटी कौड़ियां होती हैं उस पर नक्काशी, पत्थर की मूर्तियां बनाने की भी कला जानते थे, पत्थर के ऊपर में मूर्तियां भी बनाते थे। उनका जो मुख्य उद्गम था वो कृषि और पशुपालन था, ठीक है, पशुपालन और कृषि के ऊपर में वो पूरा मतलब वो फोकस रहता था। लोहे से वे संभवतः परिचित थे क्योंकि वे युद्धों के अंदर में रथों का उपयोग करते थे, रथों के अंदर में लोहे का उपयोग किया जाता था। आप अगर बाकी सभ्यताओं से कंपेयर करोगे, मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की, हड़प्पा की, तो वहां पे लोहे का उस समय उपयोग उतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, पर चीन की सांग सभ्यता के अंदर में ये समझ में आता है कि लोहे का उपयोग भी यहाँ पे किया जाता था, क्योंकि लोहे का उपयोग रथों के अंदर में किया जाता था, किंतु वे पक्की ईंटों से अपरिचित जान पड़ते थे क्योंकि वे उनके मकान जो थे अवशेष अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। अगर आप हड़प्पा को देखोगे या मेसोपोटामिया को देखोगे, मिस्र को देखोगे, तो वहां पे पक्की ईंटों के प्रमाण मिलते हैं कि पक्की ईंटों का उपयोग करके किस तरह से घर बनाए गए। हड़प्पा का तो बेस जो होता था कच्ची ईंटों से बनाया जाता था, बाद में पक्की ईंटों का उपयोग करके घर बनाया जाता था, तो पक्की ईंटों का तो सबसे ज्यादा प्रमाण आपको हड़प्पा के अंदर में देखने के लिए मिलता है, पर चीन की सांग सभ्यता के अंदर में कहीं पर भी पक्की ईंटों का उपयोग करते हुए देखा नहीं, क्योंकि जो मकान के जो अवशेष अभी तक उपलब्ध है उसके अंदर में कहीं भी ईंटों का उपयोग नहीं देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी सामाजिक व्यवस्था जो थी पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या होती है कि मेरे बाद मेरा बेटा का होगा, उसके बाद उसके बेटे का होगा। यहाँ पे ना जो पावर ऑफ ट्रांसफर होता है ना वो बेटे टू बेटे के अंदर में होता है, ठीक है, बाप के बाद बेटे को, बाप के बाद फिर बेटे को, इस तरह से ऐसे पावर ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे इस तरीके से जाता है। जो भी पावर ऑफ ट्रांसफर के अंदर में सेल्स की बात करो, ठीक है, संपत्ति की बात करो, चल अचल संपत्ति जो भी है वो चीजें, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था। आज के समय में भी हिंदुस्तान के अंदर में ज्यादातर घरों के अंदर में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तौर पर ही पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है। परिवार में गृह स्वामी की मृत्यु के बाद उसका स्थान जो था अनुज लेता था, ठीक है, अगर मान लो मेन जो हेड ऑफ द फैमिली अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसका छोटा भाई होगा वो उसकी जगह आ जाएगा, फिर उसका जो पावर ऑफ ट्रांसफर है ना उसका छोटे भाई उसके बाद उसके बाद उसका उसके बाद ऐसा करके उस तरह से चलता था। आप सिंपल सा अगर आप महाभारत को भी देखोगे तो महाभारत के अंदर में जो दो भाई थे, ठीक है, तो धृतराष्ट्र पांडु, तो जैसे मेन बड़ा भाई था, बड़े भाई के बाद उसके बेटे को आना था पावर, और छोटे भाई राजगद्दी पे बैठा हुआ था तो छोटे भाई के बाद उसके बेटे को आना था पावर, तो इस तरीके से पावर का जो पावर ऑफ ट्रांसफर की बात की जाती है, तो वहां से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि किस तरह से पावर ऑफ ट्रांसफर होता है। इस काल के जो लोग थे लेखन कला से परिचित थे तथा तो उन्होंने साहित्य की रचना भी करी, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। उन्हें खगोल विज्ञा और ज्योति विज्ञा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी, पांचांग का भी आविष्कार उनके द्वारा किया गया था,
धर्म का उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अनेक देवताओं के अतिरिक्त अपने पूर्वजों की उपासना भी करते थे। चीन के अंदर में नवपाषाण संस्कृति का आरंभ जो था 600 ईसा पूर्व के आसपास में हो चुका था। यहाँ जो देखोगे अगर आप, काश्यप युग इनका जो प्रारंभ हुआ, सिया राजवंश, सिया डायनेस्टी इस तरह से लिखा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। पहले जो सिया की स्पेलिंग थी ऐसा चाहिए ऐसे करके लिखा हुआ था, बाद में गूगल को चेक करने के बाद ये, तो कई जगह आपके बुक में भी स्पेलिंग गलत है, तो उसको भी ध्यान लेके चलना। तो सिया राजवंश, सिया डायनेस्टी कुछ इस तरह से है, जिसका शासनकाल शुरू मतलब किया जाता है। जैसे जैसे काश्यप युग का आरंभ होता है ना, वहां से सिया राजवंश की डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, सिया राजवंश के बाद में जो उदय हुआ, सिया जो राजवंश है वो सांग राजवंश का के बाद देखा जाता है। जैसे सांग सभ्यता हम पढ़ रहे हैं ना, तो सांग सभ्यता जैसे जैसे खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पे सिया राजवंश अगला जो सभ्यता थी उसकी शुरुआत हमें देखने के लिए मिल जाती है। और सांग सभ्यता के पतन के साथ में ही, यहाँ पे अंत के साथ में ही, यहाँ पे सिया राजवंश का उदय देखने के लिए मिलता है, जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ता है। सिया जो सांग सभ्यता है उसके नाम पर ही यहाँ पे पड़ता है। उसके सांग सभ्यता के बाद यहाँ पे सिया राजवंश का उदय होता है, क्योंकि इस सभ्यता का जो अधिकतर स्थल है वो इसी राजवंश के काल से मिलते जुलते आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो भारत के अंदर में भी हड़प्पा सभ्यता में जाते हो तो कई जगह पे, जैसे मेन तो हड़प्पा सभ्यता मोहन जोदड़ो के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को हम मानते हैं, पर भारत के अंदर में भी अगर आप हरियाणा के अंदर में मिल जाता है, लोथल हो गया, ठीक है, कालीबंगा हो गया, यहाँ पे कोई प्रमाण मिलता है, अगर वो प्रमाण अगर उसको जब चेक किया जाता है तो वो प्रमाण काफी हद तक अगर हड़प्पा से इंडिकेट करता है कि हड़प्पा से काफी हद तक मिलता जुलता है, हम उसको सीधा मान के चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण है, और ये क्षेत्र भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही आता है, और ये पूरी जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही आएगी। तो सेम तरीके से सिया और सांग सभ्यता के अंतर्गत भी किया गया। सबसे पहले जो सांग सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले काश्यप युग का जैसे अंत होने के करीब में था, तो सांग सभ्यता का उदय हमें देखने के लिए मिल जाता है, और सांग सभ्यता के अंत के साथ साथ में यहाँ पे हम सिया सभ्यता का उदय हम देखने के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इस इमेज के अंदर में, तो ये कछुए का खाल है, ठीक है, ऊपर में जो खोल होता है उसका खाल होता है वो है, जिसके ऊपर में वो लेखन कला का उपयोग किया गया। यहाँ पे लेखन कला, हड्डियों के ऊपर में, अस्थियों के ऊपर में लेखन कला का उपयोग किया गया कि किस तरीके से लिखा जाता था, इसका आप साहित्यिक प्रमाण यहाँ पे देख सकते हो। इस सभ्यता के अंदर में बलि और लेखन कला के भी प्रमाण मिलते हैं, बलि भी दिया जाता था, ठीक है। यहाँ राजनीतिक एकता का भाव हमें देखने के लिए मिलता है, कोई राजनीतिक सक्षमता यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती, जिस तरह से मेसोपोटामिया या फिर मिस्र के अंदर में थी वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। इस सभ्यता के नवपाषाण के संबंध हम देखते हैं कि अधिकांश जो स्थल थे वो हुआंग हो, और जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी को हुआंग हो के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना, और या यांगतेज के किनारे बसे हुए थे। हुआंग हो या यांगतेज नदी के किनारे आसपास पूरा जो क्षेत्र बसा हुआ था। जैसे आप मिस्र को भी देखोगे तो मिस्र के अंदर में नील नदी बह रही है, तो नील नदी के मुहाने पे ही ना ज्यादातर जो उपजाऊ क्षेत्र था वहीं पर इसकी पूरी सभ्यता बसी हुई थी, वहीं पर स्थिर थी, जिसके कारण से वहां का विकास हो रहा था, कोई भी उपज करना था, कृषि करना था, वो सारा कुछ वहां पे मुहाने पे ही हो रहा था नील नदी के, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे। जब बाढ़ का उपजाऊ मृदा आती थी, ठीक है, जलोढ़ मृदा आती थी, उसी से वो उपजाऊ मृदा का उपयोग करके खेती बाड़ी करते थे। तो सेम चीज यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है कि नदी का उपयोग, जो पीली नदी था, यांगतेज नदी के तौर पर जिसे यांगतेज हुआंग, तो उस स्थल के आसपास का जो क्षेत्र था सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्रों के तौर पर वही जाना जाता। और देखो आज के समय में अगर हम कहीं घर लेने जाते हैं, जमीन लेने जाते हैं, हम देखते हैं कि आसपास में हाईवे है या नहीं है, रोड का क्या कनेक्टिविटी है, किस तरह का संसाधन है। पर पहले के टाइम में ये देखा जाता था ना, जितनी भी सभ्यता हुई है, जितने भी बड़े बड़े शहर बने हैं, सभी किसी ना किसी नदी के किनारे। तो मेन रीजन क्या था कि यातायात का जो मार्ग था ना वो नदी के रास्ते ही जाता था, ठीक है। आप दे इलाहाबाद की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है, मिस्र की जो सभ्यता थी नील नदी के किनारे, ठीक है, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे, तो जितनी भी नदियां थी उनके किनारे कोई ना कोई सभ्यता का उदय आपको देखने के लिए मिल जाता। तो यहाँ पे भी जो यांगतेज जो देखोगे पूरे यांगतेज के किनारे पूरा ये सभ्यता बसा हुआ देखो, चीन की सांग सभ्यता या पीली नदी के तौर पे भी इसको जाना जाता है। इस नवपाषाण संस्कृति को हम देखें तो यहाँ पे निम्नलिखित विशेषताएं देखने के लिए मिलती है, क्या विशेषता देखने के लिए मिलती है, तो पूर्वी समुद्र तट और यांगतेज नदी के घाटी में चावल की खेती होती थी, ठीक है, जो घाटी वाला क्षेत्र था ना, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी की मात्रा उपलब्ध होगी वहीं पे चावल की खेती संभव है, यहाँ पे यांगतेज नदी के घाटी के अंदर में चावल की जाती थी। सन के रेशे के बने वस्त्र यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते थे, क्योंकि जो सन होता है ना, सन सन एक तरह का पौधा है, ठीक है, बड़े बड़े झाड़ जैसे होते हैं, और इसके जो रेशे होते हैं ना उसका उपयोग करके वस्त्र बनाए जाते हैं, और बहुत महंगे मिलते हैं आज के समय में जो कपड़े होते हैं, ठीक है। तो सन का भी उपयोग ना उसी जगह पर किया जा सकता है जहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा पैदावार हो सकता है, तो सन का उपयोग करके, सन के रेशों का उपयोग करके यहाँ पे वस्त्र बनाए जाते थे।
हड्डी और पत्थरों के बने बने खेती करने के उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है, हड्डियों का उपयोग करके, पत्थरों का उपयोग करके यहाँ पे खेती करने के लिए उपकरण बनाए जाते थे, तो औजार बनाए जाते थे जिसके बाद का खेती किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। और समय के साथ में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो उसके अंदर में फिर धातु का उपयोग करके औजार बनाए जाने लगे। इस समय में यहाँ पे पशुपालन का चलन था, परंतु पशुपालन का विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था पशुपालन को लेकर। खेती को लेकर तो फिर भी था, कृषि को लेकर था, पर पशुपालन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। अगर आप हड़प्पा देखोगे, मेसोपोटामिया देखोगे, तो वहाँ पे पशुपालन का एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, पर यहाँ पे चीन की सांग सभ्यता के अंदर में पशुपालन का इम्पैक्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलता। यांगतेज सबसे बड़ी नदी थी और इसके आसपास का जो क्षेत्र था प्रचुर मात्रा के अंदर में वर्षा होती थी, जिसके कारण से यहाँ पे जो चावल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए चावल को यहाँ होता था। आज भी जो ये क्षेत्र है, आज का भी अगर आप बात करोगे तो चावल के उत्पादन के अंदर में अग्रिम स्थल के तौर पर जाना जाता है। इस सभ्यता को जिस मिट्टी के बने बर्तनों के लिए उपयोग होता था उसको केओलिन के नाम से जाना जाता है। पे जो इनके मिट्टी के बर्तन थे ना, मिट्टी के बर्तन को केओलिन कहते हैं। ये क्ले होता है ना, क्ले मतलब मिट्टी, तो केओलिन उसको कहा जाता था मिट्टी के बर्तनों को, जो जिस मिट्टी का उपयोग करके वहाँ पे बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ सन के बने वस्त्र का उपयोग होता था पहनने, सिल्क का भी उपयोग किया जाता था कपड़ों के तौर पर। दोस्तों यहाँ पे आज का जो हमारा लेसन था, लेसन नंबर पार्ट फोर्थ यहाँ पे एंड होता है सेकेंड लेसन। आगे की जो वीडियोज हैं धीरे धीरे करके मैं ऑलरेडी MHI 101 के मैं 12-13 चैप्टर करवा चुका, स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर हैं वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके। तो मैं रिक्वेस्ट आप सभी व्यूवर से यही करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे से वीडियोज बना, और आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो इसी तरह से कंटिन्यू आती रहे। हम थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक, वीडियोज नहीं बना पाते 2-2.5 महीने, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप फ़ोन नंबर पे, अपना गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू हमें पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ या फिर QR कोड यहाँ पे दे कर सकते हैं कि मेरे नाम विश्वजीत के नाम से, ठीक है। तो इसको बाद आप यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, ठीक है।